दोस्तों, क्या आप बिना सूरज की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज गायब हो जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा? मैं जानता हूं कि यह बस एक कल्पना है। मैं आपको आज इस कल्पना को दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए बिना सूरज की पृथ्वी को देखने के लिए। सूरज ही वह चीज है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। दोस्तों, सूरज एक गैस का गोला है। यह 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2% कार्बन डाई और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और ये बिल्कुल भी ठोस नहीं है। दोस्तों, सूरज की ऊपरी सतह का तापमान 55,000 डिग्री सेल्सियस और सूरज के अंदर का तापमान करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो सूरज पर आपका वजन 1620 किलो हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियो अपने मोबाइल या लैपटॉप पर रोजाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए सूरज गायब हो जाए या किसी दूसरे सौरमंडल में चला जाए। जैसे ही सूरज अपनी जगह से हटेगा तो हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये सब ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग हो जाएंगे और सब अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब कोई सूरज नहीं है। और इधर हम इंसान इस बात से बेखबर हैं, क्योंकि हमें अभी भी आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है, पर किसी को नहीं पता सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने गायब कर दिया है। यह इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं, धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया है। हमारी धरती गर्मी को अच्छी तरह से बरकरार रखती है, इसलिए जीवन तुरंत खत्म नहीं होगा। और अब पृथ्वी के वातावरण में धीरे धीरे नमी कम होने लगी है और धरती पर धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगी है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब परेशान हैं। पृथ्वी के जिस हिस्से में रात थी वहां भी खबर आ चुकी है और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि सूरज की कोई लाइट नहीं बची जो इन तारों को ढक पाए। और हमारा चांद भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। सूरज की रोशनी जब पर पड़ती है तब वो हमें दिखता है। इस घटना का सबसे भयानक असर पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की ऊर्जा से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे, एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पर जैसे ही सूरज गायब हुआ ऊर्जा नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। पृथ्वी पर सब जगह अब बिल्कुल अंधेरा छाने लगा है और पृथ्वी अब ठंडी होनी शुरू हो चुकी है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। पेड़ पौधे और जानवर बदलते मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गए। समुन्द्र के अंदर के जो जीव हैं उन्हें कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। पृथ्वी के कोर की वजह से अभी भी पृथ्वी पर कुछ गर्मी बची हुई है। कुछ दिनों बाद पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जिसका डर था आखिर वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है, पर अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए अब पानी लिक्विड तरल रूप में मौजूद नहीं है। पानी के भी सभी जीव मर जाएंगे। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए, क्योंकि सैटेलाइट जिसको सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए, उसकी पावर अब ऑफ हो गई है। किसी भी तरह की हाई पावर बैटरी की मदद से वे कुछ दिन चल गई, पर वैज्ञानिकों ने कभी यह नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा, इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वजह से दुनिया के जितने भी समुंदर और नदियां हैं सारी के सारी अब तक जम चुकी हैं। पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम की पानी से बिजली बनती है वे अब जम चुका है, इसलिए अब मोबाइल फोन और टावर भी ऑफ हो चुके हैं। इंटरनेट से जुड़ी पूरी दुनिया पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। ज़्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि वे बिना सूरज के इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं। जो अमीर लोग थे उन्होंने इन कुछ दिनों के अंदर अपने लिए बेसमेंट बनवा लिए हैं, ताकि वे इस कपकपाती ठंड से बच जाएं। और गरीब लोगों के लिए भी सरकार बेसमेंट बनवा रही है। सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब रात ही रात है, टाइम अब सेंस नहीं बनाता।
कब दिन है और कब रात। पहले दिन और रात हुआ करते थे, अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान के तारों का भी अब एक अलग ही मैप दिख रहा है, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। सौरमंडल से बहुत दूर और इधर दूसरी साइड जुपिटर, मार्स, सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। पृथ्वी फाइनली कुछ सालों में तैरते तैरते एक ऐसी जगह आ गई है जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉइड अब धरती से टकराना शुरू हो गए हैं। अंतरिक्ष में तरह तरह के एस्ट्रॉइड और दाना पार्टिकल घूमते रहते हैं और बहुत खतरनाक रेडिएशन भी आते रहते हैं जो कि धरती को कभी भी हिट कर सकते हैं। आपने इस सफर के आखिर में धरती एक बहुत तेजी से आते हुए एस्ट्रॉइड से टकरा गई और अब सब कुछ खत्म हो गया। पर दोस्तों, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक हाइपोथोसिस यानी एक कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, पर इससे हमें यह जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है और सूरज की वजह इसकी वजह से धरती पर जिंदगी संभव हो पाई है। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें।